हेलो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट पेपर एनालिसिस ऑफ मेमोरी बेस्ड मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट सेप्टेम्बर शिफ्ट टू सबसे पहले मैं इसमें टॉपिक वाइज एनालिसिस करूँगा कि हमने टोटल थर्टीन क्वेश्चन एनालिसिस किए हैं मतलब कह सकते हैं कि फोर्टी थ्री परसेंट पेपर को हमने बताया है कि ये क्वेश्चन इस लेवल के हैं जिसमें से बायनमल थ्योरम का एक क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी एक क्वेश्चन है जो कि स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है जहाँ तक डिफरेंशियल कैलकुलस का सवाल है डिफरेंशियल कैलकुलस में से भी हमने एक क्वेश्चन बताया है एप्लीकेशन एप्लीकेशनल डेरिवेटिव से रिलेटेड है इंट्रीगल कैलकुलेशन से तीन क्वेश्चन है वन क्वेश्चन फ्रॉम एरिया अंडर कर्व सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिकल रीजनिंग का भी एक क्वेश्चन है परमोटेशन कॉम्बिनेशन से दो क्वेश्चन है क्वारिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन पर हमने बताया था सिक्वेंस सीरीज से एक क्वेश्चन है टिग्नोमेट्री में दो क्वेश्चन है और दोनों के दोनों इनवर्सनोमेट्री फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है तो ये टॉपिक वाइज एनालिसिस कंप्लीट हुआ अपना अब अगर हम उसके क्लास वाइज एनालिसिस की बात करें जो हमारे टोटल टीन क्वेश्चन उनमें से सिक्स क्वेश्चन क्वेश्चन फ्रॉम क्लास ट्वेल्थ कह सकते हैं कि टोटल जो फोर्टी थ्री है उसमें से ट्वेंटी परसेंट क्लास इलेवन में से और ट्वेंटी थ्री परसेंट क्लास ट्वेल्थ में से डिफिकल्टी लेवल की बात अगर की जाए तो टोटल थर्टीन क्वेश्चन में से इजी लेवल के क्वेश्चन फोर हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन फोर इजी लेवल के हैं मीडियम लेवल के एट क्वेश्चन से और डिफिकल्ट लेवल का जो है क्वेश्चन है तो फाइनली इसका ओवरऑल डिफिकल्टी मैथमेटिक्स पेपर की अगर बात कर रहे हैं हम तो 1.77 डिफिकल्टी लेवल है इट मीन्स पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट है इजी टू मॉडरेट है